नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आरटी के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। आरटी के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो पूर्णतया निःशुल्क होते हैं। आपको कक्षा 8 तक किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज जो है विद्यालय के अंदर नहीं देना होता है। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, उसके बाद उसका आधार कार्ड, फिर जन आधार कार्ड, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो और बच्चे का नाम राशन कार्ड में। तो अभी राशन कार्ड के अंदर तो नाम ऐड नहीं हो रहे हैं तो इसकी कोई वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही नाम ऐड होना बंद कर रखा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही नाम ऐड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में आप बच्चे का नाम राशन कार्ड में ऐड करवा लें। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको सबसे स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है मैंने सारी की सारी। सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। यदि अभी तक आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एक शपथ पत्र देना होता है। लेकिन एडमिशन पूर्णतया सफल तभी होगा जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लोगे, तब तक आपको टाइम मिल जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाना है, किस प्रकार से बच्चे का नाम लिखवाना है उसके अंदर, किस प्रकार से उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 100% सही बनवाना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहें। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद में उसका आधार कार्ड बनाना है, वो भी किसके आधार पर बनेगा, जन्म के आधार पर बनेगा। दो डॉक्यूमेंट तैयार हो गए बच्चे के। ये दोनों डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में फिर जन आधार कार्ड बन जाएगा। इन दोनों डॉक्यूमेंटों के आधार पर जन आधार कार्ड बिल्कुल सही उसमें आधार कार्ड भी अपडेट हो जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र भी अपडेट हो जाएगा, और चाहो तो बच्चे का अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई स्कॉलरशिप आती है या अन्य कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे का कुछ प्रॉफिट मिलने वाला होता है, तो उस कंडीशन में आप उसका बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लें। बैंक अकाउंट ओपन कराओगे तब भी आपको जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड चाहिएगा। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसके बाद तीन डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर तीनों डॉक्यूमेंटों का अटैचमेंट जो है जन आधार कार्ड से करवा देना है। सारा डाटा जो है जन आधार कार्ड में अपडेट करवा देना है जिससे कि उस बच्चे को कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट भी उससे लिंक हो गया, उसका आधार कार्ड भी हो गया और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार उसका डाटा भी अपडेट हो गया, बिल्कुल सही से रिकॉर्ड चल रहा है। इसके बाद में इन्हीं के आधार पर, जन आधार कार्ड के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ये नया नियम आ चुका है, और मूल निवास भी जन आधार कार्ड पे बनेगा। तो कहने का जन आधार कार्ड में जो डाटा यदि सही होगा तो ही जाति मूल निवास सही बनेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से लिंक हैं। फिर पिता का आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के अंदर बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र में नाम है वही इसमें ऐड करवाना है। पिता का आय का मतलब ये नहीं है कि पिता का ही अकेला नाम आएगा, उसके परिवार के सभी नाम उसके अंदर अपडेट होंगे, तो जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है वही इसके आय प्रमाण पत्र में नाम लिखवाना है। बच्चे की फ़ोटो होगी। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो जैसे कि मान लो कि उसका पिता पढ़ा हुआ है और ये क्लियर है कि आज के टाइम में 8-10 पढ़े हुए मिलेंगे आराम से, ज़्यादा भी मिलेंगे, ग्रेजुएट भी मिलेंगे, तो उसके पिता के मार्कशीट के अंदर 8वीं या 10वीं की जो भी उसकी मार्कशीट है उसमें उसके पिता का नाम जैसे मान लो राजेश कुमार खाती है, और उसकी माँ की जो 10वीं 8वीं की मार्कशीट है उसके अंदर जैसे मान लीजिए सीता कुमारी नाम लिखा हुआ है, ये उनकी मार्कशीट में देखना है उनके पिता की और माता के बच्चे की। अब आपको बच्चे का नाम लिखवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपको ये सावधानी यहाँ पे रखनी है कि जैसे यहाँ पे बच्चे का नाम हमने निकलवा दिया संजय, यहाँ तो कुछ भी लिखवा दो संजय कुमार या कुछ भी, क्योंकि उसका नया नाम बनने वाला है, तो यहाँ कुछ भी आपने अपनी इच्छा से या आपकी पसंद के अनुसार या पंडित के अनुसार आपने नाम निकलवा दिया उसका,
तो यहाँ कोई देखने वाली बात नहीं है इसके बच्चे के नाम में, जो भी आप नाम लिखवाओगे वो सही रहेगा। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना है कि वो नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही सही पूछ लेना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नाम जो हैं उनकी स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश के नियमानुसार भी नहीं होती है। हालांकि नाम के अंदर कोई गलती नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी टाइपिंग करते टाइम में हम टाइप करते हैं कुछ भी और हिंदी में उसका कुछ भी बन रहा है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और बच्चे का नाम सही सही टाइप करवाना है। उसके बाद में यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ फादर का नाम में राजेश कुमार खत्ती इसके पिता का नाम था, तो यहाँ पे यदि आप राजेश कुमार ही करवा देते हो तो वो गलत माना जाएगा, बच्चे के आगे भविष्य में समस्याएं आएंगी। जैसे मान लो कि आपको लंबे टाइम तक की बताता हूँ, और आगे आने वाला जो टाइम है वो कंप्यूटराइज होगा, तो उसमें जैसे कि ज़मीन का खाता फटवाना है या प्रॉपर्टी बंटवारा करना है या प्रॉपर्टी किसी एक दूसरे के नाम करना है या अन्य और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं या और भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ पर क्या करना पड़ता है कि स्टाम्प देना पड़ता है कि राजेश कुमार खाती उर्फ राजेश कुमार एक ही नाम है, इस प्रकार के शपथ पत्र लगते हैं जिसमें काफ़ी खर्चा होता है, टाइम बर्बाद होता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी बच्चे के पिता की मार्कशीट के अंदर जो नाम है विद्यालय रिकॉर्ड में वहीं यहाँ पर लिखवाना है। यहाँ पर यदि राजेश कुमार या राजेश ही करवा देते हो तब भी वो गलत होता है। फिर उसकी माता का जो मार्कशीट है वो देखना है, और वहाँ पे जैसे यहाँ पे सीता कुमारी उसकी मार्कशीट में लगा था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीता देवी लगवा देते हैं बच्चे की मार्कशीट में या बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में, तो वो गलत माना जाता है। उसकी माँ की मार्कशीट के अंदर जो नाम है, जैसी स्पेलिंग है, जहाँ पर स्पेस है तो वहाँ स्पेस, बड़ी मात्रा है तो बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा छोटी मात्रा, वो का वो एज इट इज बच्चे की जो जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हो बच्चे का उसके अंदर वो नाम डालना है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको। यदि आप ऐसा करते हो तो भविष्य में उस बच्चे के सामने कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, और इसी के आधार पर फिर आपको उसका आधार कार्ड वगैरह, जन आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और सभी में एक जैसा नाम होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ करनी है और सभी में एक जैसा नाम यदि आप करवा देते हो तो उसके बच्चे के रिकॉर्ड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जन आधार कार्ड के अंदर सभी के लगभग ई मित्र वालों ने क्या है, पहले ध्यान नहीं दिया या उनके घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, और 90% लोगों के जन आधार कार्ड गलत हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जैसे नाम बताया परिवार वालों ने या कैंपों के अंदर राशन कार्ड के हिसाब से जन आधार कार्ड बना दिया, वामासा बना दिया, और अब उन सब में करेक्शन करवाना पड़ रहा है। पहले तो वो करेक्शन करवाएंगे, करेक्शन अपडेट नहीं होगा या उसमें बहुत टाइम लगेगा तो वो समस्याएँ आएंगी, उसमें ऊपर से खर्चा हो गया अलग से। लेकिन यही चीज़ आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे यदि आप करवा देते स्टार्टिंग से ही या आगे भी ध्यान रख लेते हो तब भी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हम एडमिशन की ओर चलते हैं। कोई भी यदि दुर्लभ वर्ग में है तो उनकी परिवार की आय 2.5 लाख तक होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असुविधाग्रस्त समूह के अंदर जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ कोई बच्चा है, HIV से ग्रस्त है या कैंसर से ग्रस्त है या युद्ध के अंदर जो शहीद हुए हैं या विधवा का कोई बच्चा है या कोई विकलांग है, तो इस प्रकार से कोई अन्य दिक्कत है तो उसका प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा। OBC SBC का है तो उसको 1 लाख से नीचे की आय प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। BPL है तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसकी सूची जो है उसके साथ लगानी है फॉर्म में। और अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र और बच्चे का आयु प्रमाण पत्र। डेट जो है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और 24 तारीख तक इसको भरना है। लॉटरी जो है 27 तारीख को निकलेगी, और रिपोर्टिंग जो है विद्यालय में 28 तारीख से 3 तारीख के बीच में उनके अभिभावकों को विद्यालय में सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं।
डॉक्यूमेंटों की जांच जो है 28 से 9 तारीख तक होगी, और फिर भी यदि कोई करेक्शन होता है, गलती हो जाती है, तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको मौका दिया जाएगा संशोधन कराने का, और फिर विद्यालय उसको फिर से चेक करेगा 15 तारीख से 18 तारीख तक, और उसके बाद में आपको अपना छात्र जो है अपना पोर्टल लॉगिन करना है और उसको सहमति यस करनी है। उसके बाद में आगे की जो भी प्रोसेस है वो विद्यालय की रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन हो गया है। उम्र जो है कम से कम 5 साल, अधिकतम 7 साल, कुछ विद्यालयों में अलग अलग होती है, वो आप ट्राई कर लेना, देख लेना, उसको पूछ लेना। 31 मार्च 2021 के अनुसार ये एज होनी जरूरी है। कम से कम 5 विद्यालयों को चयन करना है। यदि 5 विद्यालय नहीं है आपके एरिया के अंदर, तो जैसे वो पोर्टल दिखाता है उसके अनुसार आपको काम करना है। अनुचित या गलत जानकारी आप भरते हो तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। सूचना से लिखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।